मैं डॉक्टर सुभाष चंद, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक भारतीय जनजाति की, खासी। अगर हम देखें कि खासी जनजाति का अगर निवास स्थल देखें तो खासी जनजाति मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। खासी जनजाति जो है वो मातृसत्तात्मक या मैट्रिलिनियल होती है, अर्थात इनका जो सामाजिक संगठन है वो माता के द्वारा ही ज़्यादा या मातृ सत्ता प्रधान होती है। इन समाज के लोगों में कई वर्ग भी होते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो चार प्रमुख सामाजिक श्रेणियां हैं, जिनके नाम हैं की सायेम, ये राजवंशी होते हैं, की लिंगदो, ये पुजारियों के वंशज होते हैं, फिर मंत्री वंशज और प्रजा वंशज। हालांकि जो इनकी सामाजिक वर्गों में ज़रूर बटे हुए हैं, ऊंचे और नीचे स्तर होते हैं वर्गों में, लेकिन इनमें फिर भी परस्पर विवाह संबंध हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और ये वो क्षेत्र है मेघालय का जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो बहुत ज़्यादा होती है और लगभग वर्ष में 9 महीने तक वर्षा होती रहती है। तो यहाँ का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक है। और अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। जो तापमान है वो सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी घनी पाई जाती है। तो वनस्पति में ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सदाबहार वनों में की तरह ही वन पाए जाते हैं। इस इलाके में जो वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप काफ़ी रहता है। जो नदियाँ हैं वो तीव्रगामी हैं, घाटियाँ संकरी और गहरी हैं, और समस्त जो भूभाग है वो जंगलों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार के और इसी कारण से यहाँ जंगली जानवरों की भी अधिकता है। तो इस प्रकार के जो वातावरण में खासी समाज रहता है, खासी जनजाति रहती है। अब अगर इनकी हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो खासी जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना है, जो नदी की घाटियों और चौरस घाटियों में किया जाता है। इन घाटियों के जो धरातल हैं उन पर ऊंचे पुश्ते या बांध बनाकर कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और उन बांधों से जल को बड़ी सावधानी से छोड़ते हैं और पानी जो है वो छोटे छोटे संकीर्ण चैनलों के द्वारा खेतों की क्यारी तक पहुंचाया जाता है। तो जो सिंचाई की संकीर्ण प्रणाल बनाना बहुत दक्षता का काम है, और ये जो प्रणाल बनते हैं या चैनल्स बनाए जाते हैं इसमें ये खासी जनजाति के लोग बहुत ही दक्ष हैं। ये लोग यहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करके सीढ़ीनुमा खेतों में कृषि करते हैं। अगर हम देखें तो जो मुख्य कृषि है पुराने समय में, खासी लोग झूमिंग प्रकार की कृषि किया करते थे। झूमिंग कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी ढालों के जंगलों को काटा जाता है, उसमें 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। फिर उसके बाद, क्योंकि इस दौरान कृषि की जो उत्पादकता है, फसल की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है 3 वर्ष के बाद, तो उसको परती छोड़ दिया जाता है या खाली छोड़ दिया जाता है। करीब 10 से 15 वर्षों के बाद
उस खाली जमीन पर वापस से पूर्ण रूपेण वन हो जाते हैं, और वन होने के कारण फिर वापस से उस पर 10 से 15 साल बाद ये लोग आकर फिर खेती करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक जंगली क्षेत्र को देखा जाता है, उसको में वन काटे जाते हैं, सूखने के लिए जब पड़ जाते हैं तो उनमें आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के कारण जो राख होती है वो राख उर्वरक का काम करती है, और इस कारण से बिल्कुल आदिम किस्म की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी मोटे अनाज जैसे कोदा है, चौलाई है, फाफड़ा है, कोटू है, ये उत्पन्न किए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले 70 वर्षों से, लगभग आज़ादी के पश्चात से, यहाँ पर चावल की केशी खेती का भी चलन बढ़ा है, और अब लगभग 50 वर्ष पूर्व से आलू उत्पन्न करना भी इन्होंने प्रारंभ किया है। आलू के कारण वहाँ की जो कृषि प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, कि लोगों ने खेती को परती छोड़ना अब लगभग बंद कर दिया है। और इसके कारण क्या हुआ है कि जो खेतों की मिट्टी है वो धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगी है। अब पहाड़ी मोटे चावल, अनाज, आलू की फसल की को हेर फेर से क्रॉप रोटेशन से बोते हैं, और धीरे धीरे आलू की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और चावल की पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि जो खासी जनजाति के लोग हैं वो आदिम किस्म की कृषि के बाद अब आधुनिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि जो इनका सिंचाई व्यवस्था है वो अपने आप में अद्भुत है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से रहते हैं, अर्थात बस्तियां कैसे बसाते हैं। अगर हम देखें तो क्योंकि ये क्षेत्र जहाँ यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए स्टल्ट्स पर या ऊंचाई पर ये अपना घर बनाते हैं। तो इन लोगों के जो मकान हैं वो प्राय लकड़ी, पत्थर, बांस, बेंत, वीड्स और छप्पर या स्लेट के बनाए जाते हैं। जो ताड़ की पत्तियां हैं उनके छप्पर और बांस की दीवारें भी बनाई जाती हैं। पहले ये पुरातन काल में ये लोग मकान के चारों ओर पत्थर की दीवारें नहीं बनाते थे, लेकिन आजकल ये पत्थरों और कीलों का भी प्रयोग करने लगे हैं। ये पहले मानते थे कि मकान के चारों ओर पत्थर की दीवारें अशुभ होती हैं। तो इस तरह देखते हैं कि अधिक वर्षा होने के कारण जो इनके मकान हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, धरातल से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें या सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो खासी परिवार क्योंकि मैट्रिलिनियल है, मातृसत्तात्मक है, तो इसमें सबसे छोटी पुत्री का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार की जो संपत्ति है उसकी वो उत्तराधिकारिणी होती है, और जितनी भी धार्मिक पूजाएं होती हैं या सेरेमनीज जो भी हैं, रिलीजियस सेरेमनीज, उनमें छोटी पुत्री का या छोटी बेटी का बहुत अधिक महत्व है। तो जो खासी समाज है वो मातृ सत्तात्मक प्रथाएं प्रयोग में लाते हैं, और इनमें जो जितनी भी संपत्ति है उस पर स्वामित्व या अधिकार महिलाओं का होता है। इस जनजाति में एक एकल विवाह अर्थात विवाहित जीवन में एक पत्नी या पति की ही प्रथा है, परंतु विवाह के बाद तलाक और पुनर्विवाह, इन पर कोई बंदिशें नहीं हैं। सामाजिक जीवन में ये लोग मृतक का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अगर किसी की चेचक, हेजा या अन्य रोगों के कारण मृत्यु होती है तो ये मृतक को भूमि में गाड़ देते हैं। अगर हम बात करें कि आधुनिक समाज का इन पर क्या प्रभाव पड़ा है,
तो खासी जनजाति हैं, इन पर आधुनिक समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। खास तौर पर भारत में अंग्रेजी राज्य के समय जो ईसाई मत प्रचारक थे, उन्होंने बहुत सारे खासी आदिवासियों को ईसाई मत मतांतर में प्रविष्ट करा दिया, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। और अपना धर्म छोड़ने के कारण और ईसाई धर्म अपनाने से और विदेशियों के संपर्क में आने के कारण खासी समाज के लोगों को कई प्रकार के कष्ट भी उत्पन्न हो गए। लेकिन आज अगर हम देखें तो खासी समाज के लोग अच्छे शिक्षित होकर भारतीय सरकार के कई जगह पर उच्च पदों पर ये हैं। धन्यवाद।